हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। विंड करंट्स मतलब लगातार फ्लो होने वाली विंड जो अनइवन हीटिंग के कारण होती है। सपोज कर लीजिए कहीं पर विंड का जो टेम्परेचर है, एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर एयर का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो कहीं पर एयर का प्रेशर कम है। तो हमने अभी पढ़ा कि हमेशा एयर कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। और जनरली ऐसा कब होता है, एयर की हीटिंग के कारण। हीटिंग मतलब जहाँ पर एयर ज़्यादा हॉट है, गर्म हो चुकी है, वो एयर हमेशा ऊपर की तरफ राइज होती है, वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिसके कारण उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं विंड करंट, यानी कि विंड का फ्लो होना कंटिन्यूटी में, जिसके कारण, जो किसके कारण होता है, अनइवन हीटिंग के कारण। क्योंकि अर्थ की अनइवन हीटिंग का मतलब होता है कि अर्थ जो हीट गेन करती है वो सन से करती है, ठीक है, और जो सन से हीट आती है, सनलाइट जो आती है, वो अर्थ के सारे पोर्शन पर एक जैसी नहीं पड़ती, वो किसी जगह बहुत ज़्यादा और किसी जगह बहुत कम होती है। जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट आती है, वो पोर्शन या वो वाला पार्ट अर्थ का ज़्यादा हीट गेन करता है, और उस एरिया की जो एयर होती है वो उस हीट को गेन करके हल्की हो जाती है और उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की विंड्स के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो हमने देखा है कि नेचर में कई तरह की ऐसी सिचुएशन होती है जब हॉट एयर, जो ऐसी एयर है जिसने हीट गेन करके अपनी प्लेस से ऊपर की ओर उठती जाती है, ठीक है, और जैसे वो ऊपर की ओर उठेगी और जो एयर का प्रेशर होगा उस पर्टिकुलर प्लेस का, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों होगा ऐसा प्रेशर? क्योंकि उस प्लेस से एयर का मूवमेंट कहाँ होता जा रहा है, ऊपर की तरफ होता जा रहा है। तो जिस जगह से एयर हट चुकी है, जा चुकी है, वहाँ पर उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई है, जैसे हमने ये कहा है कि वहाँ पर उसका प्रेशर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह जब कोल्ड एयर है जो सराउंडिंग की, वो धीरे धीरे उस हॉट एयर की प्लेस को कवर करती जाती है, और इसी कारण एक कन्वेक्शन शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट इन एयर। बहुत सिंपल टेक्निक है, देखो, सपोज़ कर लो ये अर्थ है, इसने सन से बहुत ज़्यादा हीट को गेन किया है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन बहुत हॉट हो चुका है, अब यहाँ की सराउंडिंग की जो एयर होगी वो इस हीट को गेन करके हल्की हो जाएगी, ठीक है, और जो हॉट एयर होती है वो हल्की लाइट होने के कारण कहाँ की ओर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अब जैसे जैसे एयर का प्रेशर कहाँ जाता जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इस जगह से एयर की क्वांटिटी कम हो गई, और कम हो गई तो यहाँ पर एयर का प्रेशर जो था वो भी कम हो गया। जब ये हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज होती है तो कोल्ड एयर जो आसपास ठंडी हवा थी, जैसे ही स्पेस खाली होती है तो वो कोल्ड एयर क्या करती है, इस लो प्रेशर एरिया को फुलफिल करके इक्वल प्रेशर पर लाने का काम करती है, यानी कि ये जो खाली जगह है जहाँ डेंसिटी कम है उसे फुलफिल करने का काम करती है, ठीक है। इसी कारण लगातार एक एयर का जो करंट, विंड करंट जिसे हम कहते हैं, वो ऊपर की तरफ उठती जाती है हॉट एयर, और कोल्ड एयर लगातार उस प्लेस पर आती जाती है, तब तक जब तक प्रेशर बराबर ना हो जाए। तो इस तरह से एयर के मूवमेंट को हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट, जो अनइवन हीटिंग के कारण होता है, ठीक है। देखिए, कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर हैवी होती है, कोल्ड एयर हैवी है इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा रश करती है, रश मतलब इकट्ठी होती है, पास पास एयर के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, ठीक है, थीके? और जब वो हॉट एरिया के कांटेक्ट में आती है, हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आती है, जैसे अर्थ सरफेस सन से हीट लेते लेते ज़्यादा हॉट हो जाती है, तो उस हॉट एरिया के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या करती है, वो एयर भी हॉट हो जाती है। जब वो एयर हॉट हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, हल्की हो जाएगी यानी कि उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होने शुरू हो जाते हैं, यानी लाइट हो जाती है ना, तो वो कहाँ की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है। ऊपर जाएगी तो ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर वैसे ही बहुत ठंडा होता है, टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, तो वही ऊपर जाकर जो गर्म हवा थी वो हीट रिलीज़ करके क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाएगी तो अगेन वो कोल्ड एयर बन जाएगी, फिर वही कोल्ड एयर वापस कहाँ आएगी, नीचे उसकी जगह को फुलफिल करने के, ठीक है। यानी पहली बार में तो सराउंडिंग वाली एयर फुलफिल कर लेती है, और ये सराउंडिंग की जो जगह खाली हुई है वहाँ पर यही वाली एयर जो है वो कोल्ड होकर वापस अपनी जगह को कवर करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली विंड का मूवमेंट चलता रहता है, जिसे हम कन्वेक्शन करंट भी कहते हैं, इसी को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं, अनइवन हीटिंग के कारण विंड का मूवमेंट होना, ठीक है। अब
हमें पता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा एयर में, उतनी ही ज़्यादा एयर मूव्स करेगी। यानी कि एक एरिया ले लूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और एक एरिया जहाँ पर प्रेशर कम है, तो हमें पता है कोई भी एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो चाहे हीट एनर्जी हो, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो एयर का मूवमेंट किस तरफ होगा? हाई से लो की ओर। और कब तक रहेगा? जब तक सारा एरिया इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हो कि एयर का मूवमेंट कितना फास्ट होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर के डिफरेंस पर। यहाँ बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके एयर के मॉलिक्यूल है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, और यहाँ पर एकदम ही कम हाई प्रेशर है। तो डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण एयर का मूवमेंट भी बहुत ही फास्ट होता है। आपने देखा होगा कई बार बहुत तेज़ हवा के झोंके आते हैं, बहुत तेज़ हवा चलती है, उसका रीज़न यही होता है कि एयर का जो प्रेशर है वो कहीं पर बहुत ज़्यादा है और कहीं पर बहुत ही कम है, इसलिए उसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और बहुत तेज़ी से वो इक्वल करने की कोशिश करते हैं। नाउ इस तरह एयर के प्रेशर में जो डिफरेंस होता है नेचर में, वो स्पेशली किसके कारण होता है? अब ये ऐसा कैसे जनरेट हो गया? ऑटोमेटिक तो एटमॉस्फेयर में ऐसा नहीं हो जाता कि एयर एक जगह इकट्ठी हो जाती है और ऑटोमेटिक एक जगह से कम हो जाती है, ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होता। इसके लिए भी क्या रीज़न है? अनइवन हीटिंग। अनइवन हीटिंग का मतलब है कि जो पोर्शन ज़्यादा हॉट है वहाँ की एयर ऊपर उठना शुरू हो जाती है, तो वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाते हैं और ऊपर उठना शुरू कर देंगे, मतलब उस जगह पर एयर की डेंसिटी बहुत कम हो गई, बहुत कम पार्टिकल हैं। जबकि दूसरी जगह उसके कंपैरिजन में ठंडी है, तो वहाँ के मॉलिक्यूल पास पास है कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एयर का रश हो जाता है और यहाँ पर हॉट होने के कारण कम हो जाता है। तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस आया जिसके कारण विंड मूव करती है, वो प्रेशर डिफरेंस किसके कारण आया है? वो अनइवन हीटिंग के कारण आया है, और इसी कारण पूरी अर्थ पर विंड करंट चलती रहती है, जिसका मेन रीज़न है अनइवन हीटिंग। अनइवन हीटिंग या अनइक्वल हीटिंग का मतलब होता है कि हमारी अर्थ जो है वो सन से एक जैसी हीट गेन नहीं करती। अर्थ का कुछ पार्ट ऐसा है जो इक्वेटर के पास का है जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट गेन करता है, जबकि पोलर रीजन की तरफ, इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ बढ़ते हैं तो हमने देखा है धीरे धीरे या जो सनलाइट होती है और हीट होती है वो बहुत कम होती जाती है। ठीक है, तो इसी अनइवन हीटिंग के कारण कहीं लो प्रेशर तो कहीं हाई प्रेशर एरिया जनरेट होता है, जिसके कारण विंड करंट्स फ्लो होना शुरू होती है। तो पूरे अर्थ पर इस तरह की विंड करंट ब्लो होती रहती है। ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे। पहला, दो सिचुएशन आती है अनइवन हीटिंग के कारण। एक तो अनइक्वल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की इक्वेटर, यानी जस्ट अर्थ है तो उसका सेंटर पोर्शन इक्वेटर कहलाता है, और उसका जब से टॉप और बॉटम टॉप कहलाता है पोल्स। ठीक है, तो उन दोनों इक्वेटर और पोल्स में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर वो हिस्सा है जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट गेन करता है, और पोल्स वो एरिया है जहाँ कम से कम हीट, कम से कम मतलब नेग्लिजिबल ही समझ लो कुछ पोर्शन तक, तो जहाँ प्रॉपर सनलाइट पहुँच नहीं पाती है। तो ये वाला पोर्शन है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हीट गेन कर रही है, और यहाँ पर जहाँ कम, बहुत कम से कम है, तो दोनों के बीच में अनइवन हीटिंग है। यानी जहाँ से ज़्यादा हीट गेन करी है वो पोर्शन सेंटर वाला है, और वहाँ पर एयर का प्रेशर कम हो गया। और जहाँ पर कम क्यों हो गया? क्योंकि जो एयर ज़्यादा हीट गेन करेगी अर्थ सरफेस से वो ऊपर की तरफ उठेगी, और जहाँ पर ठंडी हवा है वो ठंडी हवा इस तरफ आकर इसकी जगह को कवर करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से एक विंड करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, किसके बीच में? इक्वेटर से लेकर तो पोल्स के बीच में। ठीक है, और उसी तरह दूसरा अनइक्वल हीटिंग किसके बीच में होता है? लैंड और वाटर के बीच में, क्योंकि लैंड और वाटर में भी ऐसा होता है, लैंड बहुत जल्दी हॉट हो जाती है, हीट गेन कर लेती है, जबकि ठंडी भी बहुत जल्दी होती है, और वाटर जो हॉट होने की प्रोसेस है वो धीरे धीरे होती है, और ठंडा होने की प्रोसेस भी धीरे होती है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं कि कैसे इक्वेटर और पोल्स अनइवन हीटिंग वहाँ पर होती है, और कौन सी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। सबसे पहले, विंड करंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। पहले हम इन दोनों के बीच में पढ़ रहे हैं, इक्वेटर और पोल्स के बीच में कैसी अनइवन हीटिंग के कारण विंड करंट जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, तो देखो जो रीज़न या जो एरिया है जो कहाँ इक्वेटर के सबसे ज़्यादा पास में है, वहाँ सन रेज बिल्कुल डायरेक्टली आती है। देखो आप ये डायग्राम को देखते जाइए, ये वाला जो बीच वाली लाइन है ना अर्थ की, जस्ट सेंटर वाली लाइन चारों तरफ से, वो कहलाती है इक्वेटर। ठीक है, अब ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री पर,
ये लाइन जो है और इसके आसपास का एरिया है, ये इक्वेटर है और इसके दोनों साइड ऊपर भी और नीचे भी, ये पोर्शन वो है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, सन हीट को डायरेक्टली गेन करता है, यानी सबसे ज़्यादा गर्म पोर्शन होता है, सबसे ज़्यादा हॉट पोर्शन होता है। अब जो इस इक्वेटर के, इस रीजन के जिसको अपन इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, इसके आसपास का जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट गेन करेगा, तो इसके ऊपर की जो हवा है या एयर है वो भी उस हीट को गेन करके जल्दी गर्म हो जाती है, वार्म हो जाएगी। ठीक है, अब वार्म होने से क्या हो जाएगा, वो एयर हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगी। कहाँ उठेगी, यहाँ की एयर भी ऊपर की ओर उठना शुरू करेगी और यहाँ की एयर भी ऊपर की ओर उठना शुरू करेगी। अब जब एयर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी तो इस जगह का जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि एयर के पार्टिकल तो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिए, तो अब यहाँ पर एयर के पार्टिकल क्या हो गए, बहुत कम बचे, बहुत कम बचे, तो यहाँ पर एयर के पार्टिकल के बीच में जो प्रेशर है वो बहुत ही कम रहेगा। तो जहाँ पर एयर हीट गेन करती है और ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है तो उसे हम कहेंगे कि वो लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया। ठीक है, अब जो ऊपर की तरफ उठी है वो ऊपर जाकर धीरे धीरे क्या हो जाती है, उस हीट को जो गेन करके ऊपर की तरफ गई थी उसे रिलीज़ कर देती है एटमॉस्फेयर में, और फिर से क्या होने लग जाती है, ठंडी होने लगेगी। अब ठंडी होने लगेगी तो एयर के पार्टिकल आपस में पास पास आना शुरू कर देंगे, और जो ट्रॉपिकल बेल्ट है 30 डिग्री, मतलब यहाँ से उठी इस पोर्शन से ऊपर की तरफ और यहाँ से भी ऊपर की तरफ, और आके कहाँ गिर गई, यहाँ पर, वो जो ठंडी हवा हुई वो ठंडी हवा यहाँ पर आना घूमती हुई 30 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है, और 30 डिग्री ये वाली 30 डिग्री साउथ की तरफ जाना शुरू हो गई। ठीक है, और ये जो बीच वाला लो प्रेशर एरिया था वो एयर जो इस जगह थी आसपास वाली, उसने ये लो प्रेशर एरिया जो ठंडा हुआ, जो गर्म होके एयर ऊपर की तरफ गई थी, तो नीचे जो जगह खाली हो गई थी उस प्लेस को किसने कवर करा, 30 डिग्री नॉर्थ वाली एयर्स ने और इधर 30 डिग्री साउथ पे जो एयर्स हैं उसने। ठीक है, तो इस तरह से जब एयर हॉट होके ऊपर की तरफ उठती है तो उसकी जगह को कवर करने के लिए आसपास सराउंडिंग की कोल्ड एयर आती है। वो सराउंडिंग की कौन सी एयर थी, जो नॉर्थ साइड से आई उसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं, और जो साउथ साइड से उसकी जगह को कवर करने आई उसे हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। आया समझ में कि जो एयर, ये एक ऐसी परमानेंट वीड है जो हमेशा इक्वेटर से एयर जब राइज अप होती है तो लगातार ये नॉर्थ और साउथ पोर्शन से उसकी जगह को कवर करती रहती है, जिसे हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। अब जो नॉर्थ से आ रही वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है और जो साउथ से आ रही वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है। ठीक है, नाउ अब जो हॉट एयर ऊपर राइज हुई थी, है ना, जो इक्वेटर्स के जस्ट आसपास वाले पोर्शन से ऊपर की तरफ आई थी, वो ऊपर जाकर हीट रिलीज कर देगी और ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद वो हैवी हो जाती है, हैवी होगी तो वापस कहाँ आएगी, नीचे आएगी। नीचे आएगी तो किसके पास आएगी, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर आएगी। ठीक है, अब ये एरिया तो ऑलरेडी क्या है, जब ये नीचे आएगी तो सारी एयर जब इस जगह फील होगी तो वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये एयर ऑलरेडी कोल्ड है, ठंडी है, ठंडी है तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी पास पास है, और जब ये नीचे की तरफ आएगी प्रेशर देगी तो ये एरिया हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विंड ब्लो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी फ्लो करना, टूवर्ड्स दी इक्वेटर एंड टूवर्ड्स दी पोल, पोल और इक्वेटर दोनों साइड से ब्लो करना शुरू हो जाएगी। दिस विंड ब्लोविंग टूवर्ड्स नाउ 60 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्लाइज। देखिए अब इसमें हम देखते हैं, ये देखो जैसे ही ये एयर ऊपर राइज हुई तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेडविंड और ये वाली एयर से यहाँ पर आना शुरू हो गई, लेकिन ये जो ऊपर उठी थी हॉट एयर ये वापस घूम के कहाँ आएगी, इस तरफ 60 डिग्री, ये दिख रहा है आपको एरो इस तरफ बने, यानी कि वो जो ऊपर से ये हॉट हो गई थी ये वापस आएगी और इस जगह को कवर करेगी, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर, ये वाली पोर्शन पर। इसलिए इसके एरो कहाँ बताए, नीचे की तरफ, क्योंकि ये एयर ऊपर से उठ के कहाँ आ रही है, अब इस पोर्शन को कवर करने आ रही है। ठीक है, तो ये वाली एयर्स जिसको ये कवर करने आई है तो ये क्या कहलाएगी, वेस्टर्लाइज। ठीक है, अब देखो ये ऑलरेडी हाई प्रेशर एरिया हो चुका है जहाँ पर एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, और ये भी क्या है, हाई प्रेशर एरिया है। तो यहाँ से आप सबसे पहले ट्रेड विंड को अच्छे से समझ गए, ट्रेड विंड को फिर से रिपीट कर देती हूँ, हाई अमाउंट ऑफ हीट गेन करने के बाद यहाँ की एयर जब ऊपर की तरफ उठती है तो आसपास 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से एयर मूव करती है और इस बीच वाले इक्वेटर एरिया को फुलफिल कर देती है
हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करने के कारण ये प्रेशर को इक्वल करने की कोशिश करती है, तो एयर का मूवमेंट इक्वेटर की तरफ होता है, ठीक है, जिसे हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। अब जो एयर ऊपर राइज अप हुई थी वो ठंडी होकर हैवी हो जाती है और वापस आती है, तो वापस इस प्लेस पर तो नहीं आ सकती क्योंकि इसकी जगह इन्होंने ले ली है, तो इनकी जो प्लेस खाली है, इनके आसपास का एरिया जो खाली है वो वहाँ पर आएगी नीचे की तरफ, और ये इधर से भी नीचे की तरफ आएगी, तो नॉर्थ और साउथ दोनों पोर्शन में जाएगी, तो जिसे हम कहते हैं 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ लेटिट्यूड पर आने की कोशिश करती है, और ये एयर यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है जिसको हम कहते हैं वेस्टर्लाइज, ठीक है। अब ये जो ऊपर से आई हुई एयर थी इसने क्या किया है, ये हाई प्रेशर एरिया इधर और इधर दोनों साइड फुल कर लिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट होगी हमारी पोलर विंड। अब क्या होता है, जो 60 डिग्री यानी नॉर्थ और साउथ दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से जो इक्वेटर होता है वो वार्म होता है, हॉट होता है, और पोल जो होते हैं वो बिल्कुल ठंडे होते हैं, दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, और ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण जो 60 डिग्री नॉर्थ और साइड दोनों की बात कर रहे हैं वहाँ की जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ राइज अप होगी, ठीक है, और फिर से लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करेगी, और पोलर विंड जो होती है पोल साइड से जो एयर होती है वो कोल्ड होती है, वो इसकी जगह को फिर से कवर करने की कोशिश करती है, तो इस तरह की विंड को हम कहेंगे पोलर विंड। बहुत इजी है, आप देख सकते हो, जैसे कि अब ये वेस्टर्लाइज जो था यहाँ तक, ये तो कौन वेस्टर्लाइज क्या थी, जो ऊपर से उठ के आई थी और इस रीजन को कवर अप कर रही थी, लेकिन अब आप देखो यहाँ वाला पोर्शन जो है ये हाई प्रेशर है, ये वाला भी, लेकिन पोल के कंपैरिजन में इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पर अभी भी सनलाइट आ रही है और इस पोर्शन में तो सनलाइट बहुत कम होती है, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से उस तरफ जाते जाते तो ठंडा एरिया आता जाता है, तो अभी यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोलर विंड, ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एयर ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती है, और इसकी जगह कौन आना शुरू कर देती है, ठंडी हवा कोल्ड एयर उस एरिया को कवर अप करती है, तो इस तरह पोल से चलने वाली जो विंड्स होती है, ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ दोनों साइड, उसे हम कहते हैं पोलर विंड, ठीक है, जो काफ़ी सिंपल है। नाउ इस तरह से जो रोटेशन होता है अर्थ का वो ट्रेड विंड पोलर विंड्स के बीच में होता है, ठीक है, और हमेशा एस्टरली डायरेक्शन समझ लो, यानी कि आपने देखा होगा पोलर विंड और ट्रेड विंड दोनों का, ट्रेड विंड ऊपर की तरफ ये इस तरफ नीचे की तरफ आती है, मतलब नॉर्थ और साउथ को कवर करती हुई, और ट्रेड विंड भी कुछ इस तरह से आती है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है, कहाँ की ओर, इक्वेटर की तरफ रहती है, जबकि जो वेस्टर्लाइज होती है वो अकेली अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे विंड करंट आर प्रोड्यूस बाय अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। दो रीज़न हमने पहले ही देख लिए थे, एक तो अनइवन हीटिंग ऑफ एयर के कारण, और दूसरा है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है, तो आपने देखा होगा जनरली समर डेज में कि जो अर्थ इक्वेटर वाला पोर्शन है अर्थ का, ठीक है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पर जो ओशन वाटर होता है वो भी जल्दी हॉट हो जाता है। अब जो इक्वेटर के नियरर एरिया था उसमें से जो लैंड पार्ट होता है वो जल्दी हॉट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर बॉडीज़, ठीक है, यानी ओशन वाले पार्ट्स हैं, तो लैंड जो नॉर्मली आप देखोगे कि जो वाटर और लैंड का कंपैरिजन करोगे तो जब आप दोनों को इक्वल हीट देते हो तो लैंड पार्ट यानी कि जो रॉक्स पीसेस है या सैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो हम सेम फंडा यहाँ पर देखेंगे कि समर डेज़ में जो लैंड पार्ट है वो जल्दी गर्म हो चुका है, जल्दी हॉट हो गया है एज़ कम्पेयर टू वाटर जो कि ओशन में। नाउ अब जो लैंड पार्ट की एयर है वो हीट गेन करती है लैंड से और जल्दी से वो हल्की होकर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, तो जब वो हॉट एयर है लैंड पार्ट की वो जब ऊपर की तरफ राइज करती है बढ़ना शुरू कर देती है तो लैंड पोर्शन पे जो एयर का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, यानी कि लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है, ठीक है, और जो वाटर बॉडीज़ की जो कोल्ड विंड है वो धीरे धीरे उस हॉट जो लो प्रेशर एरिया है उसको कवर करने की कोशिश करती है। अब जो वाटर बॉडीज़ पे जो विंड होगी वो भी हीट, वाटर बॉडी ने भी हीट गेन की है लेकिन लैंड के कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर कम है और उसका जो प्रेशर है वो भी लैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा,
ठीक है। मैंने एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको बता दिया है कि जो एयर जल्दी हीट गेन कर लेती है, हॉट हो जाती है, वो एयर हल्की होती है। हल्की होती है यानी ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर की तरफ उठने के कारण वो जहाँ से वो जगह खाली कर चुकी है वो एरिया लो प्रेशर एरिया कहलाता है। अब उस लो प्रेशर एरिया को कौन कवर करता है? आसपास सराउंडिंग में प्रेजेंट कोल्ड एयर। तो सराउंडिंग वाली कोल्ड एयर कहाँ से आएगी? जो वाटर बॉडीज से आती है। तो इस तरह एयर कहाँ से मूव करती है? कोल्ड एयर वाटर बॉडीज से लैंड पार्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है कि इस तरफ उनका इस तरह मूव करना, एक विंड जो कहाँ से ओशियन से यानी कि वाटर बॉडीज से कहाँ की तरफ मूव कर रही है? लैंड साइड मूव कर रही है, तो उसे हम ठंडी हवा के झोंके को हम कहते हैं ब्रीज, ठीक है। और साथ में ये ब्रीज क्या करते हैं? ये ब्रीज अपने साथ मॉनसून लेकर आते हैं, अपने साथ बादलों को खींचकर वेपर मॉइस्चर को लेकर आती है, जिसके कारण बारिश होती है, ठीक है। और इसी कारण विंड के मूवमेंट के कारण ही बारिश होती है। देखो ये देखो, समर सीजन में वाटर बॉडीज क्या, वाटर बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो लैंड पार्ट के कंपैरिजन में कम होता है, तो यहाँ की जो कोल्ड एयर है इसके कंपैरिजन वाली, ये हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज होती है और ये कोल्ड एयर ये इधर जगह लेने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, तो एयर ऑटोमेटिकली मूव करती है वाटर से लैंड पार्ट की ओर, और इस तरह अपने साथ वो मॉनसून लेकर बारिश लेकर आती है, और इस तरह बारिश होती है। उनके कुछ डायग्राम ये रेस से बताया गया है कि किस पोर्शन में किस तरह से मॉनसून आता है। नाउ जो मॉनसून विंड होती है वो हमेशा अरेबियन शी से यानी अरब सागर से चलती है, और कहाँ की तरफ चलती है? बे ऑफ बंगाल की तरफ। ये जो लाइन्स ड्रॉ हो रही है ना, ये मॉनसून विंड की है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल की तरफ होती है और सबसे ज़्यादा रेनफॉल करती है इस पोर्शन में, ठीक है। ये वाले ईस्ट वाले यहाँ से घूमती हुई इस तरह से आती हैं। अब जो समर मानसून होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मर के लिए, क्योंकि हमें भी पता है कि समर के बाद जो बारिश होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, रेनफॉल होना, ठीक है। और क्योंकि ये जो मानसून होता है ये एनुअल रेनफॉल होता है, पूरे साल भर की पूर्ति इस बारिश से होती है, ठीक है। और ये क्रॉप्स को ग्रो करने में भी हेल्प करता है, यानी ये मानसून हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कई फार्मर्स की तो पूरी तरह से अपना पूरी लाइफ सर्वाइवल इन्हीं मानसून पर डिपेंड होती है, क्योंकि वो इन्हीं पर डिपेंड होता है, तभी तो वो क्रॉप्स ग्रो कर पाएगा और उसकी लाइफस्टाइल इन्हीं मानसून पर चलती है, ठीक है। क्योंकि अगर बारिश होगी तो उनकी फसल होगी, और नहीं हो पाई तो फसल नहीं होगी, ठीक है। तो कई फार्मर जो होते हैं कंट्री में वो मेनली रेन पर ही डिपेंड करते हैं, ताकि वो अपनी फसलों की सिंचाई कर सके, ठीक है। जबकि विंटर पार्ट की बात करते हैं, अब ठंड के समय में ये होता है कि ठंड के टाइम पर जो लैंड पार्ट होता है, विंटर सीजन में जब आपने देखा होगा कि लैंड जो होती है वो जल्दी कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जबकि वाटर होता है उसे टाइम लगता है, यानी वाटर बॉडीज़ का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, और लैंड जल्दी ठंडी होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। तो जहाँ का टेम्परेचर हाई है, यानी कि वाटर बॉडीज़ का जो टेम्परेचर हाई है, वहाँ की एयर ऊपर की तरफ उठती है, और लैंड पार्ट से जो कोल्ड एयर होती है वो उस वाटर बॉडीज़ के सराउंडिंग वाला एरिया है जो उस वाटर बॉडीज़ की तरफ जाने की कोशिश करती है। इस तरह कोल्ड एयर यहाँ पर उल्टा यानी कि लैंड से वाटर बॉडी की तरफ फ्लो कर रही है, तो ये भी कोल्ड एयर का एक ब्रीज है जो लैंड से वाटर बॉडी की तरफ मूव करता है, और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, जिसके कारण बारिश होती है। ये भी अपने साथ मॉनसून लेकर आती है, तो इसे हम कहेंगे विंटर मॉनसून विंड। जैसे कि अभी आपने समर सीजन में पढ़ा समर मॉनसून विंड, वैसे ही एयर का कुछ इस तरह से मूवमेंट करना कि वो लैंड पार्ट से कहाँ की ओर जा रहा है? अगेन ओशियन की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी कोल्ड एयर लैंड से कहाँ की ओर जा रही है? ओशियन की तरफ जा रही है, तो इसे हम कहते हैं विंटर मॉनसून विंड, ठीक है। क्योंकि ये जो मॉनसून है उसको लैंड पार्ट से अगेन वाटर बॉडीज़ की तरफ ले जा रही है। तो देखो, जब वाटर बॉडीज से लैंड की तरफ ले जाती है तो ये इसमें कई सारी वेपर्स होती है जो वाटर बॉडीज से इस तरफ जाती है, जिसके कारण बहुत हैवी बारिश होती है। लेकिन ये वाली जो डायरेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल नहीं होता, हल्का सा बारिश, जैसे कि ठंड के टाइम पर आपने देखा होगा एक या दो बार हल्की सी बारिश हो जाती है, तो वो इसी कारण
होती है, ठीक है। तो विंटर मॉनसून विंड में हैवी रेनफॉल नहीं होता, ठीक है। बस इसमें सिंपली एक मॉइस्चर सा यानी कि ह्यूमिडिटी जैसा बना रहता है, नमी बनी रहती है, जो बे ऑफ बंगाल से कोस्टल एरिया में मतलब तमिलनाडु की तरफ होती है। देखो आप, ये बे ऑफ बंगाल से थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है ना, ठंडी जो वाटर ड्रॉप्स है वो नीचे की तरफ साउथ वाले पोर्शन में चला जाता है, तो इसके कारण इस एरिया में कभी कभी बारिश हो जाती है, क्योंकि वाटर बॉडी से वेपर कैरी होता हुआ यहाँ पर रेनफॉल होने की चांसेस होते हैं, ठीक है। नाउ आपने देखा होगा कि नेचर में कुछ सिचुएशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, हमारे द्वारा बनाई नहीं जाती, ठीक है। तो ये जो इस तरह के विंड का मूवमेंट है, अनइवन हीटिंग है, ये नेचुरली है, ठीक है। इसमें ह्यूमन बीइंग, एनिमल या प्लांट लाइफ इन सभी का कोई रोल नहीं होता, लेकिन इन पर अफेक्ट जरूर पड़ता है। और कभी कभी इस तरह की सिचुएशन के कारण डिज़ास्टर यानी कि आपदाएँ या मुसीबतें भी आती हैं, जिसका इफेक्ट सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों पर पड़ता है, ठीक है। तो अब हम इस सिचुएशंस के होने के कारण कुछ डिज़ास्टर को पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फॉर एग्जांपल थंडरस्टॉर्म होना, साइक्लोन्स होना, ठीक है, फिर इनके रीजंस और इनके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं, ये सारा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।